नमस्कार, मैं अर्पित कपूर अपने इस YouTube चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ। आज के मैं इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फोल्डर पे लॉक कैसे लगाया जाता है विदाउट एनी सॉफ्टवेयर। बिना किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू आप लोग अपने फोल्डर पे लॉक कैसे लगा सकते हैं, तो चलिए बिना कोई समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग वो ड्राइव को सिलेक्ट करें कि जहाँ पर वो आप फोल्डर बनाएंगे। सपोज मैं एफ ड्राइव में बनाना चाहता हूँ कोई फोल्डर, जैसे मैंने हेलो नाम से बनाया है, न्यू पे गया, फोल्डर बनाया हेलो नाम से, ठीक है। अब देखिए, मैं इसको फोल्डर को खोल के देख सकता हूँ, इसके अंदर कोई सी भी फाइल मेरी बनी हुई है तो उसको मैं देख सकता हूँ, ठीक है। फिलहाल मैंने कोई फाइल नहीं बना रखी, तो चलिए इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ, फिर विंडो और आर, देन सीएमडी, फिर उस ड्राइव की तरफ जाइए आप जिस ड्राइव में आपने वो फोल्डर बना रखा है। सपोज मैंने एफ ड्राइव में बना रखा है वो फोल्डर, एफ ड्राइव में फोल्डर बनाने के बाद, सॉरी, एफ ड्राइव में जाने के बाद एफ ड्राइव और कोलन कमांड आप लोग डालिए। फिर उसके अंदर एक कमांड होती है, वो कमांड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, CACLS, देन फोल्डर नेम। फोल्डर नेम अपन का था हेलो। फिर हेलो के बाद आप लोगों को लिखना है \e, फिर \p, फिर एवरीवन, फिर कोलन एन, एंटर। तो इस पे लिखा हुआ आ गया प्रोसीड, मतलब हमारा काम हो चुका है। इसको मैं मिनिमाइज करता हूं ताकि अगर मुझे फोल्डर खोलना भी हो तो खोल के दिखा भी सकूं। ये देखिए, अब देखिए ये खोलने ही नहीं दे रहा है मुझे। अब आप किसी हालत में इसको नहीं खोल सकते। अब मैं चाहता हूं कि इसको खोले कैसे, हाउ वी कैन ओपन इट। तो उसके लिए भी एक कमांड होती है, CACLS, फिर फोल्डर नेम, फिर \e, फिर स्पेस \p, एवरी वन और एफ, कोलन एफ, एंटर, प्रोसीड। प्रोसीड का मतलब होता है हमारा काम हो चुका है। फिर एग्जिट कमांड दबा के मैं बंद कर रहा हूं। फिर देखिए ओपन खोलता है तो खोल रहा है। तो आई होप आप लोगों को फोल्डर पे लॉक कैसे लगाया जाता है वो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर अच्छा नहीं लगा वीडियो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगले आने वाले वीडियोस में इससे ज़्यादा अच्छे, ज़्यादा बेहतर बनाऊंगा। थैंक यू।